दीपिका ने कहा। ये कहने का मतलब ये है कि मुझे जहाँ पर ले जाया गया था वो कोई हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक आइलैंड था। वहाँ पर एक प्राइवेट रिसर्च सेंटर था और उसके मालिक कोई और नहीं मिस्टर कपूर है। ये सुनकर रणबीर ने मुंह बना लिया और मन ही मन सोचने लगा कि फिर से ये अंडरवर्ल्ड डॉन राजन कपूर कैसे आ गया। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही कि इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है, वो आदमी इसे अपने प्राइवेट आइलैंड पर लेकर क्यों गया। रणबीर के मन में इस तरह के सवाल आ रहे थे। रणबीर ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे इलाज का सारा खर्च मिस्टर कपूर ने उठाया। तुम मुझे बता सकते हो कि उनका पूरा नाम क्या है। दीपिका ने कहा, उनका पूरा नाम राजन कपूर है और वो एक बहुत अच्छे इंसान है। भले उनकी उम्र ज्यादा है पर वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं और अपने आसपास के सभी लोगों को खूब खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो मेरे इलाज का सारा खर्चा दो लोगों ने मिलकर उठाया था, एक मिस्टर कपूर और एक मिस्टर एक्स। रणबीर ने कहा, मिस्टर एक्स मतलब रॉकी जो तुम्हारा बॉस है। दीपिका ने हामी में अपना सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ, जब तक मेरा इलाज चल रहा था तब तक दोनों मेरे साथ थे और मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। वहां पर कोई और भी थी जो मेरा ख्याल रखती थी, और इससे पहले कि मैं उन्हें देख पाती मैं उन्हें थैंक यू कह पाती वो मुझे छोड़कर चली गई। रणबीर ने कहा कि वो कौन थी तुमसे बिना मिले चली गई। रणबीर ने देखा कि जब वो उस महिला के बारे में बात कर रही थी तो वो उदास हो गई। मतलब तो यही था कि वो दीपिका के बहुत करीब थी। दीपिका ने कहा, हम एक दूसरे से मिले भी हैं पर नहीं भी मिले, हम एक दूसरे के साथ भी हैं पर बहुत दूर हैं, हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं पर फिर भी बात नहीं कर सकते। रणबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। वो बस उसकी बातें सुन रहा था कि क्या पता दीपिका कुछ और कहेगी। वो प्यार से बस उसके बालों को सहला रहा था। दीपिका ने फिर कहा, उन्होंने मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा दिया और फिर मुझे छोड़कर चली गई। फिर दीपिका ने रणबीर का हाथ पकड़ते हुए कहा कि मैं अपनी आँख की बात कर रही हूँ, ये आँखें उनकी हैं। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं फिर से इस दुनिया को कभी नहीं देख पाती। रणबीर, 7 साल पहले मुझे अपनी आंखों के बारे में पता चला था कि मैं अब कभी नहीं देख पाऊंगी तो मैं पागल हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूंगी। अगर मेरी आंखें ही नहीं रहेगी तो मैं अपने सपने कैसे पूरे करूंगी। अगर मेरी आंख ही नहीं रहेगी तो मेरा वजूद क्या रहेगा। ना ही मैं कोई नई खोज कर सकती थी और ना ही मैं कुछ नया बना सकती थी। ऐसा नहीं था कि मैं अपनी आंखों के ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं थी, पर उस समय डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मेरा शरीर पहले से बहुत कमजोर है और अगर अभी दूसरा ऑपरेशन किया तो मेरी जान जा सकती। समय मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मैं दिन रात मुर्दे की तरह बस बेड पे पड़ी रहती थी। अचानक एक दिन रॉकी उस औरत को मेरी जिंदगी में लेकर आए, कोई और नहीं बल्कि रॉकी की गर्लफ्रेंड थी, दिमाग की डॉक्टर थी। उसी की मदद से मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। समय के साथ साथ अपने आस पास के लोगों से बात करने भी लगी थी। मैं अपनी जिंदगी को दूसरे के नजरिए से देखने लगी थी। उन्होंने मुझे सिखाया सिर्फ आंखों से ही सब कुछ नहीं होता, अगर मेरे अंदर हौसला है तो मैं फिर से अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। अगर मेरे पास आंखें नहीं है और मेरा टैलेंट तो अभी भी मेरे पास है। मैंने अंधे लोगों की भाषा भी सीखना शुरू कर दिया और आश्चर्य की बात यह कि कुछ ही हफ्तों में मुझे बहुत कुछ आ गया। सब कुछ सही चल रहा था, मैं हर रोज कुछ ना कुछ नया सीख रही थी। इस तरह से 1 साल कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। और एक दिन अचानक ही कुछ डॉक्टर्स मेरे पास आए, उनके साथ मिस्टर कपूर भी आए। उन लोगों ने मुझे बताया कि उन्हें ट्रांसप्लांट के लिए आंखें मिल गई हैं, इसलिए अभी के अभी मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं पिछले 1 साल से इसी दिन का इंतजार कर रही थी, इसलिए मुझे पता था कि अगर ये अचानक भी हो जाता है तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बिना कुछ सोचे उन लोगों से कहा कि आप लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। इतना कहकर दीपिका थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। जब थोड़ी देर के लिए उसने कुछ नहीं कहा तो रणबीर ने पूछा कि ठीक हो ना। दीपिका ने कहा कि जब मेरी आंखों का ऑपरेशन हो गया था ना तो उसके करीब 2 महीने बाद मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा था। मैं सभी लोगों से मिल रही थी पर मेरे दोस्त और रॉकी की गर्लफ्रेंड मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। हर रोज उनका इंतजार करती थी पर वो कभी भी मुझसे मिलने नहीं आई। यहाँ तक कि मिस्टर कपूर ने भी मुझे नहीं बताया कि ये आंखें मेरी दोस्त की हैं और मैं अब उनकी ही आंखों से इस दुनिया को देख रही हूँ।
जब किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया तो एक दिन मैंने कहा कि मैं अपने डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ जो अब तक मेरे साथ काम कर रही थी। मैंने उस समय वार्निंग देते हुए कहा कि जब तक वो मुझसे मिलने नहीं आती तब तक मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगी और ना ही खाना खाऊंगी। 6 साल बाद दीपिका की आंखों के ऑपरेशन के 2 महीने बाद जब नर्स ईशा यानी दीपिका के लिए खाना लेकर आई तो उसने खाना फर्श पर फेंक दिया। उसे दवाई खाने से भी मना कर दिया और कहा कि मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि जब तक डॉक्टर शीतल से मैं नहीं मिलूंगी तब तक ना मैं कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी, अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आई है? अगर वो मेरे दोस्त की तरह मुझसे मिलना नहीं चाहती तो उनसे कहो कि एक डॉक्टर के नाते मुझसे मिलने आए। पता नहीं क्यों सब बार बार कोई ना कोई बहाना करके ईशा को मना कर देते थे कि डॉक्टर शीतल अभी आपसे मिलने नहीं आ सकती। पर अचानक ही रॉकी वहां आ गया। वहां के सभी नर्स और डॉक्टर उसे डरते थे इसलिए उसके आते ही सब लोग चुपचाप खड़े हो गए। और जैसे ही ईशा ने रॉकी को देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। यानी क्यों वो जब भी रॉकी को देखती थी उसे उसकी शक्ल में रणबीर नजर आता था। इसके साथ उसने 1 महीना रिसोर्ट में गुजारा था। पिछले 1 सालों में रॉकी और ईशा ने एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं की थी। ईशा ज्यादातर तो मिस्टर कपूर या डॉक्टर शीतल के साथ रहती थी। रॉकी ईशा के पास आ गया और उसके पास टेबल पर रखे हुए ग्लास को एक एक करके नीचे फर्श पर फेंकने लगा। ईशा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो उसकी तरफ घूर कर देखने लगी ऐसे इशारों में कहने की कोशिश कर रही हो कि तुम पागल तो नहीं हो गए। रॉकी फिर भी नहीं रुका और कमरे में पड़ी बाकी सारी चीजें फर्श पर फेंकने लगा। जब ईशा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने आखिरकार पूछ ही लिया, अब आप क्या कह रहे हैं? आप चीजों को इस तरह क्यों तोड़ रहे हैं? अगर आप अभी के अभी नहीं रुके ना तो मैं कंप्लेन कर दूंगी और सब कुछ डॉक्टर शीतल को बता दूंगी, तब आप उनको जवाब देना। इतना कहकर ईशा मुस्कुराने लगी और कहा कि आपको आपकी गर्लफ्रेंड से डर नहीं लगता क्या? अया मैं तो भूल गई कि 2 महीने पहले आप दोनों की शादी हो गई है। आपको आपकी वाइफ से डर नहीं लगता? और जब उनको पता चलेगा कि आप मेरे कमरे में आकर ये सब कर रहे हो तो क्या होगा? रॉकी ने गुस्से में कहा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो उसे लाइव देख रही है। ये सुनकर ईशा चौंक गई। पूछा, कैसे? वो किसी दूसरे रूम में बैठी है क्या? अगर वो यहाँ पर आई हुई है तो प्लीज उनको बोलो मुझसे मिलने आए। रॉकी ने कहा, किसी दूसरे कमरे में नहीं बैठी है, यहाँ पे कोई कैमरा भी नहीं है। ईशा को इस वक्त रॉकी की बात समझ नहीं आई इसलिए उसने कहा कि अब कहना क्या चाहते हैं? रॉकी ने कहा, वो तुम्हारे शरीर के द्वारा मुझे देख रही है। अचानक ही कमरे में सन्नाटा फैल गया। ईशा उस बात को समझने की कोशिश कर रही थी। वो मन ही मन यही प्रार्थना कर रही थी कि कहीं कुछ बुरा ना हुआ हो, पर उसे मन ही मन डर भी लग रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं, इस मुझे पूरी बात बताइए। रॉकी ने दीपिका की आंखों में देखते हुए कहा कि जो भी कुछ कहना चाहता हूँ वो बिल्कुल साफ है। तुम अभी जो कुछ भी देख पा रही हो वो मेरी शीतल की आंखों की वजह से। मरने से पहले उसने इच्छा जाहिर की थी कि वो अपनी आंखें तुम्हें दान करना चाहती है, इसलिए अब तुम्हारे पास है उसकी आंखें। रॉकी उन बातों को इस तरह से बता रहा था जैसे उसके दिल में कोई प्यार बचा ही नहीं है, उसके मन में कोई भावना ही नहीं बची। इतना सुनते ही ईशा ने अपना आटा खो दिया। उसने वहीं पर पड़ी दवाइयों के बॉक्स को उठाया और जमीन पर फेंकते हुए कहा कि तुम एक तंबर के शैतान हो, तुम शैतान हो। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता देख रॉकी ने कहा कि तुम्हारे जैसे कमजोर लड़की के पास रोने के अलावा और हो भी क्या सकता है? इनफैक्ट तुम रोने के अलावा कर भी क्या सकती हो? जब देखो हर बात को लेकर रोती रहती हो। मेरी पत्नी ने अपनी आंखें तुम्हें रोने के लिए नहीं दी, तुम्हें ऐसे रोते देख कर भी वो उदास हो रही होगी। उसने अपनी आंखें तुम्हें इसलिए दी थी ताकि तुम अपने सपने पूरे कर सको, इस दुनिया को देख सको। अब तुम मुझे भी दुखी कर रही हो। इनफैक्ट मुझे भी दुख हो रहा कि उसने अपनी आंखें तुम्हें क्यों दी हैं या तुम्हें क्यों चुना। रॉकी की बात ईशा को कांटे की तरह चुभ रही थी। उसने कहा कि अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या मैं शीतल के लिए रो भी नहीं सकती? कोई मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ के चला गया, मैं उसके लिए रो भी नहीं सकती। हर कोई आपके जैसा बुश्तिल नहीं होता है। अगर आप मेरी लाचारी के ऊपर हंसना चाहते हैं तो जीत भर के हंस लीजिए, क्योंकि अब आपसे मैं कुछ नहीं कहूंगी। रॉकी ने कहा, मैं तुम्हें लाचार नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि शीतल अब इस दुनिया में नहीं है। तुम तो जिंदा हो ना, इसलिए तुम शीतल को तभी खुश कर सकती हो जब तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगी। जो कुछ भी देख रही हो उसे शीतल भी देख रही है, इसलिए बात बात पर रोने की कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे अपनी शीतल को रोते देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
इसलिए अगर तुम उसकी थोड़ी सी भी इज्जत करती हो ना, तुम अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करो। मैं नर्स को तुम्हारे कमरे में भेज रहा हूँ, इसलिए चुपचाप से दवाई खा लेना, क्योंकि अगर इस बार भी तुमने नाटक किया ना, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर छोड़ाऊंगा। ऐसे ही रॉकी कमरे से बाहर गया तो एक नर्स अंदर आ गई। उसने ईशा को दवाई दी और ईशा ने बिना कुछ कहे दवाई खा ली। और फिर अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए दीपिका ने रणबीर से कहा कि अब उस दिन के बाद से रॉकी हर रोज मुझसे मिलने आया करते थे। कनेक्शन है तुझसे हुआ ये जान।